जनपद पंचायत कवर्धा में आज अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हुआ, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी इंद्राणी दिनेश चंद्रवंशी को 16 मत मिले, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को 9 मत मिले। इस तरह इंद्राणी दिनेश चंद्रवंशी कवर्धा जनपद पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। जीत हो गई है आपकी, है ना, जनपद अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, पहली प्रतिक्रिया बताइए। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे ऊपर विश्वास किए हैं हमारे संगठन वाले लोग, अपने पार्टी के लोग, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे सदस्य, जनपद सदस्य, सभी भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने सहयोग करके मेरे को यहाँ तक अध्यक्ष पद में अपने विश्वास और संकल्प के साथ बैठाया है। उसका विश्वास को मैं हमेशा खरा उतरूंगी और कोशिश करूंगी कि हमेशा जनता के हित के लिए ही कार्य करूं और अपना कर्तव्य जो है मेरा कर्तव्य उसको अच्छे से पालन करूं। प्राथमिकता की अगर बात करें तो कौन से ऐसे कार्य होंगे जिनको आप प्रथम प्राथमिकता देंगे? जैसे बिजली, पानी, आवास और अपने जनता का जो भी है, छोटे छोटा बड़ा जो भी है अपने से हो सकता है। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में है और पानी के है, बिजली के है, महिला बाल विकास है, महिला सशक्तिकरण है, ये सब जो भी है। जनपद क्षेत्र से निर्विरोध चुन के लाए थे, क्या लगा था उस समय अध्यक्ष बनने में? उस समय जनता का जो आशीर्वाद मिला, विश्वास तो था मेरे को जनता का आशीर्वाद मिलेगा करके, और मेरे को मिला, मेरा विश्वास जो है वो मेरे को मिला है। और उसी विश्वास और जनता का आशीर्वाद से आज मैं अध्यक्ष पद में, और हमारे पार्टी का जो सहयोग और विश्वास दिया है उसमें आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ।